हम लोग यहाँ पे एससीईआरटी के जो संचालक हैं सुधीर अग्रवाल जी, जो कि अपनी पूरी मनमानी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की कला रचना और साहित्य को कुचलने में लगे हुए हैं। तो 9वीं से लेकर 11वीं तक ये हमारे साहित्य को हटाया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ में इनको महत्व नहीं मिलेगा तो क्या यूपी बिहार में इसको महत्व मिलेगा? ये सीधा सीधा छत्तीसगढ़ की अस्मिताओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको छत्तीसगढ़ छात्र संगठन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज तो हम लोग इनको छत्तीसगढ़ का पावर चश्मा दिखाने आए थे, ये छत्तीसगढ़ का पावर चश्मा है। अगर छत्तीसगढ़ के पावर चश्मे से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नहीं देखा गया, अगर बाहरी चश्मा लगाकर यूपी बिहार का चश्मा लगाकर छत्तीसगढ़ के साहित्य को कुचला जाएगा तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो सांकेतिक रूप से हम लोग छत्तीसगढ़ी परंपराओं के साथ, ये वेशभूषा के साथ आगे बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ यह जाग चुकी है और छत्तीसगढ़ को कुचलना बंद कर दें, इस साहित्य को, इस संस्कृति को, ये कला को, ये रचना को बंद कर दें कुचलना, नहीं तो इनका परिणाम केदार कश्यप के बंगले से होगा, केदार कश्यप के बंगले का घेराव किया जाएगा। हम लोग ये तो खुद मान रहे हैं, एससीईआरटी के जो यहाँ पे ध्रुव साहब हैं वो खुद मानते हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृतियों को लागू किया जाए, लेकिन ये एससीईआरटी में बैठे हुए संचालक सुधीर अग्रवाल जी, उनको तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में मालूम तक नहीं है। वो कौन होते हैं तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हटाने वाले? अब छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं हटेगी, अब तो सुधीर अग्रवाल हटेगा। सुधीर अग्रवाल के हटने का समय आ चुका है और जिसकी चिंगारी आज भड़क चुकी है। प्रदीप को जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।